अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फातिमा लंगरी फिर से आपके नया व्लॉग लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अभी ईमान अपने पापा के साथ में क्लास फोटो के लिए स्टूडियो गई है। वैसे तो क्लास फोटो स्कूल में होता है फ्रेंड, लेकिन हम लोग इमरजेंसी में गए थे ना इंडिया मम्मी की तबीयत पूछने, तो ईमान का क्लास फोटो मिस हो गया था। तो टीचर ने बोला था कि आप स्टूडियो जाइए, वो लोग उसका फोटो लेके फिर क्लास फोटो रेडी करके इंशाल्लाह उसको दे देंगे। तो ये देखिए अपने पापा के साथ वहाँ गई है। मम्मी कहते थे मेरा नंबर थे थे आप दोनों का दे दो, मेरा ही दे ओके। यहाँ थैंक यू ओके गाइस, लेट्स गो आउट एंड माय फोटो शूट इज फिनिश। ओके लेट्स गो इनसाइड द कार, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। ये सेम डे की क्लिप है फ्रेंड। देखिए हस्बैंड की छुट्टी थी तो कुछ सामान थोड़ा बहुत घर का खत्म हो गया था, तो हम लोग वो लेने के लिए रामेश जा रहे हैं। अच्छे अच्छे देख कर लेना साफ साफ। What is this? Khel. Sorry? Khel. This is salad news? Yes, salad. प्रॉपर में शूट नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर चार्ज लगा था मॉल में जो हुआ, तो थोड़ा बहुत क्लिप किया मैंने। तो सबसे पहले देखिए मैं फिर ये केचप लेके आई हूँ, केचप ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर ये सॉसेस लेती हूँ, ईमान को इकरा उनको बहुत पसंद है तो मैं इनके लिए सॉसेस लेके आई हूँ। उसके बाद वाटरमेलन सबका फेवरेट वाटरमेलन लेके जा रहा है। मैं फ्रूट्स ही लेके आई फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स ख़त्म हो गया था, बाकी तो अलहमदिल्ला सब सामान घर पे है। ये देखिए मैं बनाना है, कीवी है, ये गुआवा है, ये कैप्सिकम है, और इसमें फ्रेंड देखिए ये बनाना है सॉरी ग्रेप्स है, ये बैंगन है, ये ओरिगानो है, और ये गाजर है। फिर मैं सब सब्जी लेकिन जो सब्जी ख़त्म हो गई, बाकी अलहमदिल्ला सब सामान था। ये देखिए फिर मैं पहली बार लेके हूँ फ्रोज़न चिकन कबाब, अगर देखते हैं ट्राई करते ऑफर में था, तो फिर मैं एक पैकेट ये भी लेके आई। टमाटर का पेस्ट ख़त्म हो गया था फ्रेंड, तो फिर मैं ये भी लेके आई, चाय की पत्ती लेके आई। ये देखिए फ्रेंड हस्बैंड की छुट्टी है, आज वो कीमे के कबाब बना रहे कच्चे कीमे के, जिसमें उन्होंने हरी मिर्ची और प्याज चॉप करके डाला है, कट करके डाला है। आज हमारा प्लानिंग फ्रेंड छत के ऊपर रोज़ा इफ्तार करने का पहले बाहर का सोचा था, लेकिन फिर बोल रहे कि फिर नमाज़ छूट जाएगी मगरिब की बाहर जाएंगे, तो इसलिए फिर छत पे ही करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद में आप क्या डाल रहे हो? नमक के बाद नमक डाला, गरम मसाला डालो, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्ची आधा चम्मच। फ्रेंड जो मैं बनाती हूँ वो रेसिपी बिल्कुल अलग है, हस्बैंड जो बनाते हैं वो रेसिपी बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसन डालेंगे, बेसन फिर डालिए कि बाइंडिंग हो जाए, है ना। देखिए फ्रेंड इसमें ना ये बेकिंग सोडा भी डालते हैं, मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ, लेकिन हस्बैंड बेकिंग सोडा भी डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड एक या दो चुटकी जितना, बस ज़्यादा नहीं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड हस्बैंड जो कबाब तैयार कर रहे हैं, इतने में सोचा फ्रूट सलाद कर लो, तो मैंने सब तरह के फ्रूट्स लिए, शुगर लिए थोड़ी सी, इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा फ्रेंड इसके अंदर टैंग ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं टैंग ऐड करूँगी, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाँ हो गया तेल गरम।
देखिए फिर जो मैं बनाया था ना प्रॉन्स नगर, इसके जैसे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स पर शूट कर दी ना, अपलोड करी ना शायद, हाँ शॉर्ट्स पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फिर देखिए मैं थोड़े वो फ्राई कर रही हूँ, थोड़े आराम से निकाला आऊँगा। पानी का जग हो गया है, देखिए फिर मैं साइड में चाय भी चढ़ा रही हूँ ताकि नमक सन्ने में फिर सॉरी ट्रेनों को आ गया था। तो देखिए चाय भी चढ़ा रही हूँ ताकि फटाफट आके सिर्फ नमक करके चाय पीने के रहेगा, तो मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ। ये देखिए फिर गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं इसको निकाल के फिर आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट है फ्रेंड, देखिए अंदर से आप देख सकते हैं। ये अलग रेसिपी फिर मेरी अलग थी माशाल्लाह, ये भी खाने में इतने टेस्टी, फिर आप एक बार इसे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए बनाने का। देखिए माशाल्लाह कितने जूसी है, देख सकते हैं आप। देखिए फिर हमारा दस्तरखान लग चुका फ्रेंड, हम अलग अलग प्लेट में नहीं खाते, हम लोग सब साथ में बैठ के ऐसे दस्तरखान पेट साथ ही खाते फ्रेंड। तो मैंने एक ही थाल में सब रख के लेकर आ गई ऊपर, माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा, हवा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है। ये जाने 5-10 मिनट की देर है, तो इंशाल्लाह हम लोग दुआ मांगते हैं दस्तरखान पर बैठ के। देखिए फिर ये आज हमारे नेबर के ऐसे दो तरह के चने आ गए। देखिए फिर ये देखिए फिर अजान हो गई, हम लोग रोज़ा खोलने के लिए बैठे, और मैंने बुशरा भाभी को भी कॉल कर दिया था कि भाभी आप भी ऊपर आ जाओ, हम सब साथ में रोज़ा खोलेंगे। माशाल्लाह हम सब ने साथ में रोज़ा खोला और बहुत अच्छा लगा, हम सब ने साथ में बैठ के बातें भी करी, रोज़ा भी खोला। और फिर देखिए अजान हो गई थी, दिखरा ने कुछ प्रॉपर शूट नहीं किया, तो जितना क्लिप हो सका उसने शूट किया। इंशाल्लाह आगे फिर कुछ नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो पूरा प्रॉपर शूट करके फिर आपसे शेयर करूँगी। रोज़ा खोलने के बाद मगरिब के नमाज़ पर फिर हम लोग देखिए फ्रेंड तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद आ गए थे। माशाल्लाह यहाँ पर मस्जिद में इतना अच्छा लगता है फ्रेंड, पूरी हम पूरे महीने में तरावी पढ़ने, जो ताक रात होती है लैलतुल कद्र की रात, वहाँ पर भी हम लोग माशाल्लाह मस्जिद के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। वो 12 से 1 के बीच में होती है 1 घंटे के लिए, तो वो भी माशाल्लाह हम लोग यहीं पर अदा करते हैं। Thank you.
يهديكم صراطا. अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, हमारी नमाज हो चुकी है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में रखिए। अल्लाह।